सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज में डीजे पर अश्लील गाना बजाने का विरोध करने के बाद बवाल मच गया। सीनियर छात्र अश्लील भोजपुरी गाने बजा रहे थे। जब कॉलेज के जूनियर छात्रों ने इसका विरोध किया तो सीनियर छात्रों ने जमकर मारपीट की। अश्लील गानों का विरोध करने पर सीनियर स्टूडेंट जूनियर पर कहर बनकर टूट पड़े। मारपीट में 6 जूनियर स्टूडेंट घायल हो गए। दरअसल सीनियर छात्र शिक्षक दिवस के मौके पर रात में डीजे बजा रहे थे। डीजे में बज रहे गंदे गानों का जूनियर छात्रों ने विरोध किया। इससे नाराज सीनियर छात्रों ने अगले दिन प्लान बनाकर जूनियर छात्रों पर हमला बोल दिया। हमले में जख्मी सभी छात्रों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं पीड़ित प्रिंस कुमार ने बताया कि सीनियर अक्सर जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं। प्रिंस ने कहा कि पिछली बार तो सीनियर छात्रों ने टीचर के साथ भी मारपीट की थी। हमारे साथ रैगिंग लिया जाता है और फोर्स किया जाता है, हर एक को ये करो ये करो, जबरदस्ती किया जाता है और कहा जाता है कि सीनियरिटी के नाम पर गलत उपयोग किया जाता है। हम लोग सर कहा जाता है कि तुम यही करो, बस गलत करो, मतलब कि पहले भी हुआ है आप लोग? पहले होता था लेकिन बंद अभी फिलहाल स्टार्ट किया। पहले सर लोग को भी पहले मारा गया था, ऐसे आया था सर लोग को भी मारा गया था पिछले बार, टीचर को भी मारा गया था पिछले बार। तो आज कितने लड़के को मारपीट की गई है? आज कॉलेज का हर एक छात्र को घुस कर मारा गया, जो जो पकड़ा जा रहा था उसको मारा जा रहा था। आप लोग जूनियर छात्र? हाँ जूनियर छात्र है। हॉस्टल में पूरा घुस कर सबको मारा जा रहा था। वहीं एक और छात्र ने बताया कि टीचर्स डे को मनाने के तरीके से सीनियर नाराज हो गए थे। उन्होंने बताया कि सीनियर छात्र अश्लील भोजपुरी गाना बजाने पर अड़े थे। लोग चाहते कि उन लोग के हिसाब से चले कि वो लोग जोर बनाया। अभी हम लोग टीचर्स डे मनाए तो उन लोग से मदद नहीं ली, तो इस बात का गुस्सा वो लोग निकाल रहे हैं हम लोग पे। अभी हम लोग मनाए तो अब वो लोग चाहते थे कि ऐसे गंदे भोजपुरी गाने बजाए। कल रात 1-2 बजे तक वो लोग अपने, जब वो लोग हम लोग निकाल दिए जब टीचर्स डे में, तो वो लोग अपने से साउंड लेके आए, पूरा रात में 1-2 बजे तक बजाया गया। तो बिना प्रिंसिपल को एप्लीकेशन परमिशन के बिना बजाया गया, पूरा रात में 2-3 बजे तक बहुत साउंड चला, डिस्टर्बेंस पूरा, और बहुत गंदे गंदे गाने बजाए। हद तो तब हो गई जब सदर अस्पताल से इलाज कराकर सभी घायलों को कॉलेज के हॉस्टल लाया गया तो सीनियर छात्रों ने कॉलेज का गेट ही बंद कर दिया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल भी जूनियर छात्रों के साथ ही गेट पर खड़े रहे। इसके बाद मौके पर एसडीओ कयूम अंसारी, डीएसपी विद्या सागर और थाना अध्यक्ष रमा शंकर ने पुलिस बल के साथ कॉलेज का जायजा लिया और 4 सीनियर छात्रों को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल नवीन कुमार ने भरोसा दिलाया कि दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज ये लोग बताए आगे दोपहर में कि कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत है, सीनियर स्टूडेंट सीनियर जो है लोगों के साथ कुछ उन्हें बात भी करते हैं, बोलते हैं, और दोपहर में हॉस्टल में आके मारपीट भी किए हैं। अभी तो उन लोगों को लेकर हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में, इलाज करवा रहे हैं। अभी हॉस्टल में सारी व्यवस्था भी नहीं है, बेड भी नहीं है, इन लोगों की विशेष परिस्थिति में हॉस्टल नहीं। बताया जा रहा है पहले से ही रैगिंग किया जा रहा है बच्चों से, तो ऐसा आपके साथ भी किया गया है? टीचर की भी पिटाई की गई है। मई में ही करजाइन बाजार में चल रहा था पहले पॉलिटेक्निक में, वहाँ भी एक बार स्टूडेंट टीचर के बीच में, मतलब टीचर को थोड़ा सर। अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा उन छात्रों? क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी पहले चिन्हित करते हैं कौन कौन है, इन्हीं के द्वारा अपने चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करते हैं। सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वक्त ही बताएगा कि पुलिस सीनियर स्टूडेंट्स की दबंगई पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।